अशोक टिकावा, रविंद्र खरे युवा साथी बहन जी का स्वागत करेंगे। रविंद्र खरे और उनकी सारी टीम, अशोक टिकावा जी, सुरेंद्र बापोड़ा जी, सुरेंद्र जैन जी, एडवोकेट सुरेंद्र जैन जी, बापोड़िया जी, मान अपार कृपा करती, धर्म कर्म व्यापार चारों काम होते हैं, समाज की सेवा, धर्म की सेवा और पॉलिटिक्स और पैसा, ये चारों चीजें उन्होंने दे दी। और चौधरी बंसीलाल से लेकर ऐसी बात थी, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। फिर साधारण दुकानदार होते हुए उन्होंने सब कुछ किया। अब मेरी बहन किरण आई है, ये हमारे सिर पर हाथ रख दिया है, ये कैसे मौत हो जाएगी। जय हिंद। अनुसार ही हम कार्य करेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। साथ में मैं आप सभी लोगों का भी, आप सब लोग यहां आए हैं, ये एक प्यार मैं मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का प्यार लगता है, मेरे इतना अच्छा अभी भी है कि आप लोग इतने लोग आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद भी करूंगा कि इसी तरह आपका प्यार आगे भी हमें मिलता रहेगा, यही बाबू राम भजन के परिवार को मिलता रहेगा और बंसीलाल के परिवार को मिलता रहेगा। चलने का जो प्रण लिया है, चलने का जो आज उन्होंने फैसला किया है, इस फैसले से मुझे इस बात का पक्का भरोसा है कि भिवानी शहर में फिर से वही विकास की गति चालू हो जाएगी जो बंसीलाल जी और रामनगर जी के समय में थी। तो जीर्णोद्धार किया था, सीवरेज में, पानी में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, और बंसीलाल जी कहा करते थे आने वाली सरकारें अगर मेरे कामों में मरम्मत कर देगी तो बहुत है। वो मरम्मत करने का काम हमें उम्मीद थी कि चौधरी सुरेंद्र सिंह करते, लेकिन अफसोस है, बड़े दुख की बात है कि आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। इस भिवानी की जनता की सेवा करने का जो प्रण लिया और उसी क्रम में जब ये पब्लिक हेल्थ की मंत्री बनी तो भिवानी शहर में अकेले 1100 करोड़ रुपए किरण चौधरी जी ने यहां खर्च करवाए और उन 1100 करोड़ में सीवर की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, एक पार्क में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था जैसे आज आप यहां इकट्ठे हुए हैं, इसी प्रकार से श्रुति चौधरी जी को धन्यवाद देने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए थे। और वो दिन है और उसके बाद आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। बीच में कई चुनाव आए, हमारे भी, हम जीते भी, तो मेरी आप लोगों से यही विनम्र प्रार्थना है कि जो प्यार मोहब्बत आज किरण चौधरी जी के साथ जो व्यापारी भाई, जो भिवानी शहर के हमारे साथी आज दिखा रहे हैं, आने वाले समय में इसी प्रकार से किरण चौधरी जी का सहयोग करके, श्रुति चौधरी जी का सहयोग करके इनके हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। वैसे तो मेरे पास इतने वक्ताओं की लिस्ट है, जितने चाहे उतने बोल सकते हैं, लेकिन आप और मैं जी कई अवसरों पर मिलेंगे आपस में और बहुत आप लोग विचार रखेंगे। मैं उन सब वक्ताओं से क्षमा चाहते हुए
आदरणीय बहन जी से अनुरोध करूंगा कि वह आए और आपसे मुखातिब हो श्रीमती पटेल जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, मीनू अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, हमारे प्रधान हनुमान प्रसाद जी, बजरंग बहेलिया जी, सच्चाई ये है कि सारे सबको आपको देखकर मेरा खून जो है आज शेर से सवा शेर हो गया है। राम भजन जी की मैं फोटो देख रही थी और मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब मैं भिवानी में एक बहू बन के आई थी। शुरू शुरू में मेरी शादी हुई थी तो राम भजन जी आए और मेरे हाथ में उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, 1001 रुपया जो है मेरी मुंह दिखाई का दिया था। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं है ये। और मुझे तब बताया गया, सुरिंदर जी ने बताया कि ये हमारा बहुत तगड़ा लाला है किरण, सच्चाई है, क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी, बहुत छोटी थी मेरी उम्र भी उस समय, और कि हमारे बहुत खास हैं, घर के परिवार के लोग हैं। और ये इनको जो है ये बाबूजी बंसी लाल जी के बराबर हैं, ये सुरेंद्र सिंह जी के शब्द थे। मैं बोलने वाली थी, आपने पहले बोल दिया बामा साहब। आज हमारे बीच में ना चौधरी बंसीलाल जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी नहीं हैं, बाबू राम भजन जी नहीं हैं। बाबू जी, जिंदगी की यही रीत है कि आना जाना सबका लगा रहता है, और चौधरी बंसीलाल जी के और सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद ये जिम्मेदारी जो है ये मेरे कंधों के ऊपर पड़ी। ऊपर वाले ने लिखा है वो होनी तो होके रहती है, और भिवानी मुझे आना पड़ा। आज मेरे ख्याल में सुरेंद्र सिंह जी 31 मार्च को 18 साल हो जाएंगे उनको जाए हुए, सारी उम्र मेरी यहां पे बीत गई। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि भिवानी में जिस दिन मैंने पैर रखा था और सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद मैं संकल्प लेकर आई थी कि चौधरी बंसीलाल जी ना रहे ना सुरेंद्र जी रहे, लेकिन भिवानी का नाम हमेशा सबसे ऊपर रखना मेरा धर्म और मेरा परम कर्तव्य रहेगा। के अंदर बड़े आराम से शीला दीक्षित के बाद मेरा नाम लिया जाता था, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल इसलिए आई कि आप लोगों की पहचान बनी रहे। बहुत समस्याएं मेरे सामने आई क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि कोई मजबूत आए यहां, आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत रोड़े अटकाए गए, लेकिन सबके साथ जूझकर मैंने जो है हमेशा भिवानी की जो है आवाज बुलंद रखने में कभी भी कसर कोई नहीं छोड़ी। चाहे 2 बारी जब मैं मंत्री रही, अहम महकमे मेरे पास रहे, या जब मैं नेता प्रतिपक्ष थी पिछले 5 साल के अंदर, और या आज जब मैं एमएलए तो शाम से एक बारी भ्रमण के लिए पूरे विदेश के अंदर गए, सारा यूरोप का टूर करा, पूरा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सारी जगह, लेकिन सुरेंद्र जी जो है उनका दिल नहीं लगा, टूर जो है वो उन्होंने छोटा कर दिया। और जब हम वापस आने लगे उस समय सरकार आप जानते हो केंद्र के अंदर कांग्रेस की थी, तो एयर इंडिया का जो हवाई जहाज था तो सुबह सुबह 6 बजे की बात वो पायलट वहां से कॉकपिट में से उठ के आए, मैं सो रही थी सुबह, ये हवाई जहाज की बात बता रही, और उन्होंने कहा कि मैडम आपको कॉकपिट के अंदर बुला लें। तो मैंने सोचा कि कॉकपिट में मेरे को क्यों बुलाया जा रहा है, मैं गई। वहां गए तो सुरेंद्र जी वहां पर, वो पीछे वाली जो सीट होती है उस पर बैठे, और हवाई जहाज जब ऊपर से चल रहा था तो खूब उछल के मेरे को बताया, वो देख किरण भिवानी, वो उस तरफ भिवानी है। इस तरह का लगाव चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को भिवानी के लोगों के साथ था। पूरा विदेश घूमाए, इतना उनको जो है खुशी नहीं हुई
ये खुशी तब होती है वो पता ही कहां वाइजाज था कि वो लेफ्ट की तरफ जो है वो भिवानी होगा, भिवानी शहर नजर नहीं आ रहा था। कहने का मतलब ये है कि उनकी आत्मा, उनकी रूह चौधरी बंसीलाल जी की, सुरेंद्र सिंह जी की आपके साथ जुड़ी होगी। मैं अकेली थी, कोई ताकत मेरे साथ नहीं थी, लड़ाई मैंने अकेली लड़ी। और किसके लिए लड़ी? आप लोगों के लिए लड़ी। मेरे को अपने घर में तो कुछ चाहिए थी। सुरेंद्र जी कहा करते थे कि भिवानी के लोगों को जिस दिन ये समझ आ गया कि हम परिवार हैं, एकजुट होकर रहना चाहिए, उस दिन भिवानी का उद्धार हो जाएगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि भिवानी के लोग जो हैं भोले हैं ज्यादा, और ये भोलेपन के अंदर बाहर के लोग जो हैं उनको बहुत जल्दी गले लगाते हैं। सच्ची बात है या नहीं है बताओ? ये आप लोगों को समझना होगा। श्रुति चौधरी को आपने जब बनाया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब श्रुति ने कितने बड़े बड़े काम भिवानी के लिए करवाए। आज तक किसी ने करें, किसी ने पूछा तक है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बन के जाता है उसका दायित्व बनता है जो अपने इलाके के लिए काम करे। मेडिकल कॉलेज आपके लिए स्वीकृत करवाया श्रुति चौधरी ने 2013-14 के अंदर 250 करोड़ रुपया उसके अंदर डलवाए, पैसा डलवा के दिए। आज 7 साल पूरे हो गए, हर गवर्नर के अभिभाषण के अंदर कहते हैं कि हम हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, और जो हमारा मेडिकल कॉलेज का हाल करा वो आप देख रहे हैं। आज तक जो है पूरा नहीं हुआ, उसके साथ का चूरू के अंदर एक और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया गया था, वो बन के तैयार भी हो गया। तो नुकसान किसका? नुकसान हमारे इलाके का हुआ, हमारे लोगों का हुआ, हमारे व्यापारी भाइयों का हुआ, हमारे उन लोग नौजवानों का हुआ जिन्होंने उसके अंदर पढ़ना था, हमारे उन लोगों का हुआ जो बीमार हैं, जो कभी जाते हैं हिसार, कभी जाते हैं दिल्ली मेदांता, कभी जाते हैं राजस्थान। सही बात कह रही हो या नहीं कह रही? क्योंकि ये सारी चेन है, ये बड़े बड़े काम जो है, छोटे मोटे काम की तो अनगिनत बात है। श्रुति चौधरी ने आपका जो हवाई पट्टी थी इसका पूरा काम हमने करवा दिया, जो चौधरी बंसीलाल जी ने हवाई पट्टी भिवानी के अंदर बनाई कि इसके अंदर पूरी तरह से कंटेनर टर्मिनल आपका आए, क्योंकि दिल्ली के बहुत पास था तो कंटेनर टर्मिनल बन सकता था, कितना व्यापार में उसका फायदा होना। लेकिन वो आज उठाकर कहां ले गए? हिसार में कच्चा प्रबंधन 36 करोड़ रुपए का वो श्रुति चौधरी ने स्वीकृत करवाया। कहां ले गए? करनाल यूनिवर्सिटी स्वीकृत करवाई, स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी। आज यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स की हमारे होती, हमारे यहाँ पे बच्चे इतने होनहार बच्चे हैं, हमारी नर्सरी है यहाँ पर खिलाड़ियों की। चौधरी बंसीलाल जी के नाम से वो स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी जो है श्रुति ने स्वीकृत करवाई। लेकिन वो यूनिवर्सिटी कहाँ लेकर गए? राई। तो हमारे को क्या मिला बताओ? करते हैं 75% बेरोजगारी की बात करते हैं, सारे मेरे नौजवान बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, टक्कर खाते फिर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है, झूठ बोलते। व्यापारी भाई मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन के बैठे हुए हैं, व्यापारी बैठे हुए हैं, मंडी वाले हमारे सारे व्यापारी बैठे हुए हैं। आज क्या हालात हो रहे हैं? वो हाल हो गए हैं कि आदमी वो कहते हैं ना, वो ऐसी हट्टी होगी ना निकल सकते ना उगल सकते। सच्चाई है या नहीं? आपका एक ऐसा वर्ग है जो व्यापारी वर्ग है, जो मंडी का हो या इंडस्ट्री का हो, वो खुद अपने आप कमा खाकर सक्षम है, अपने आप काम कर सकता है। उसको मजबूत करने के बजाय उसको खत्म कर दिए, तो खत्म कर लिए या बहुत ही करिए। मानते हो आप इस बात को? मानते हो तो बताओ। बिल्कुल मानते हैं। तो ये कहां की बन रही? कहीं जाने लायक नहीं है, किसको बोले, कहां जाके टक्कर मारे? विधानसभा के अंदर जितना मैं बोलती हूँ शायद ही कोई बोलता होगा, आपकी सारे मुद्दे उठाती हूँ। आपका खेल किसका ब्याह करवा रहे थे भाई? और इस तरह से खुलेआम लूट मचली हो और कोई बोलने वाला ना हो तो भाई और क्या रहेगा? मैं क्या गया,
मैं बताऊं, ये कठोर घात जो है, जो लेके जो खा रहा है उसकी तो मौज है, और जा किसका पैसा रहा है? ये सारा पैसा है भाई, जनता का पैसा है और किसी का पैसा नहीं है। ये आप लोगों का पैसा है जिसके ऊपर इस तरह से खुलकर लूट करी जा रही। तो जीवन के अंदर गांठ बांध लो, सच्चाई का रास्ता जो है वो है बड़ा कठिन, कोई शक की बात नहीं। सारे हमारे पूरा राम भजन जी के परिवार वालों ने, मैं तो एक बात कहूंगी कि आप हमारे हमेशा से थे। ये बात और है कि आपकी कुछ मजबूरियां थी, वो भी मैं समझ सकती हूं, और वो मजबूरी वाले भी जो है ना, उनने भी ठिकाने मैंने लगा दिया है, फिक्र ना करो, आपका कोई नहीं कोई बिगाड़ सकता कुछ, मैं बैठी हूं जब तक। हमेशा याद रखो, अगर वो कहते हैं ना पक्की पकड़ वाले का दामन थामोगे, तो फिर जैसे आपने कहा कि कपड़ा पाड़ा करते थे और आज कहां से कहां पहुंच गए, इस प्रांगण में खड़े हैं, फैक्ट्रियां लग गई, सब कुछ हो गया, बाबूजी इतने बड़े मंत्री बने, और गलत जगह भगवान ने हमारे को चित दिया। वैसे तो जो है कर्म के हिसाब से होता है, तारागरों हमारे आदमियों और जिंदगी के अंदर मेरे साथ तो जिसने लग के काम करा है, ईमानदारी के साथ करा है भाई, उसको तो पीछे छोड़ती नहीं मैं, सच्चाई चाहे किसी लेवल पर। और आज के बाद कोठी आपकी है, कोठी संभालो, आके सारे लोग आके संभालो, बल्कि बैठो वहां पे। मैं चाहती हूं कि हमारे व्यापारी भाई आए वहां पर, आपका घर है, आओगे जाओगे मेरी भी पहचान बनेगी, मेरे कंधों के ऊपर जो इतना भार है वो भी थोड़ा सा कम होगा। जिसने कर ली हो ना, तो ये तो किन में से एक होने, याद रखियो बस, ठीक है ना। तो बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद, और सारों को जो है आप लोगों का जिम्मेवारी बनती है, लोग जो यहाँ आए हैं इनको कोठी पे आप बुलाओगे, चाय मैं पिलाऊंगी, चाय भी आप पिलाओगे। ये सबने देखा है कि इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी का एक नया जो है ना वो शुरू कर दिया सिलसिला। विधानसभा के अंदर इस पर एक प्रश्न भी उठा था, उस पर भी मैंने बात करी थी, बजट सेशन में भी मैं बोलूंगी, मतलब बजट के ऊपर मैं जब बोलूंगी। सच्चाई ये है कि ये प्रॉपर्टी आईडी की ऐसा तमाशा कर दिया इन्होंने कि कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं होगा। जो हालात हो रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं सब, जिसका अगर कोई कोर्ट का केस है वो तो मारा गया, या कोई छोरियों के नाम है या कुछ और है, आप जानते हो। ये नया सिलसिला जो है इन्होंने शुरू कर दिया है, जो बहुत ही नए नए पता नहीं ये प्रयोग लेकर आते हैं जनता को मारने की, सच्चाई है। और दूसरा जो है, इन्होंने जो ये चार्जेस इतने लगाए थे डेवलपमेंट चार्जेस, वो फिर इन्होंने, हमने शोर मचाया तो नोटिफिकेशन वापस ले लिया, 10 गुना और कर दिया था इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस को, तो वो तो वापस इसलिए लिया है क्योंकि ये निकाय चुनाव अभी होने वाले हैं, उसके बाद ये फिर करेंगे। बजट के अंदर जो इनको राहत देनी चाहिए थी कि जब सारा कुछ चौपट हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो ये इतनी लंबी चौड़ी है जो बातें ये रेंग रेंग के बोल रहे हैं, सारा सब जो है जुमले और दिखावा। अगर ये टैक्स कम कर देते, जो हरियाणा सरकार का टैक्स है वो ही अगर कम कर देते ये पेट्रोल डीजल के ऊपर, तो सबसे ज्यादा राहत सबको मिलती, जो हरियाणा सरकार के इख्तियार की बात थी वो भी इन्होंने नहीं करा। कर्मचारी जो हैं भाई, उनका भी जो है मैंने विधानसभा के अंदर कॉलिंग अटेंशन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है, उसके अंदर भी आप ये देखो, जो सारी उम्र भर कर्मचारी 35-40 साल जिसने काम करा है, उसकी पेंशन जो है उसको अगर 50% भी उसका जो कमाई है उसकी नहीं मिलेगी, तो बुढ़ापे के अंदर कौन उसको पूछेगा? जो सुरक्षा जो बुढ़ापे के अंदर चाहिए होती है वही खत्म कर दी सरकार ने। तो ये इस तरह के काम जहां आम आदमी की
जेब के ऊपर घात हो वो हो रहा है। अभी जो है मुआवजे की मांग, मैं सारे दौरा करा था पिछली बार, आप भी आए थे वहाँ पे, विधानसभा में जोर शोर से उठाया, कह रहे मुआवजा हमने दे दिया है। अब कितना मुआवजा आया है, लोग आज आए थे कोठी के ऊपर, 400 रुपए, अब बोलो 400 रुपए का मुआवजा, जिसकी लागत ही उसके बेचारे की जो है 50-60 हजार रुपए, कहाँ से मुआवजे की क्या वो करेगा। सो इस तरह की कार्रवाई जब हो जाती है, सरकार जो है खाली हर चीज के ऊपर लीपा पोती करती है और जो है गुमराह करने की बात करती है, ध्यान भटकाने की बात करती है, तो आप समझ सकते हैं व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और राम भरोसे जो है जनता को छोड़ दिया है। अभी ये भिवानी के अंदर इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, ये इसमें नगर निगम में मुझे बताया कि 28-28 लाख रुपए की तो साड़ियां खरीद रखी हैं, ऐसे कुछ है कागज, मतलब कुछ खरीदा हुआ है। इसको भी मैं विधानसभा में उठाऊंगी, 21 करोड़ रुपया निकाल गए। अब ऑडिट होती है, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, ये ऑडिट से भी कैसे निकलाए, हर साल ऑडिट होती है, 21 करोड़ रुपया कोई छोटा मोटा नहीं है। ये तो अब आपके जरिए ये बात बनेगी, आगे आप लोगों को उठाना पड़ेगा जनता के आगे, तब पता चलेगा। 25 साल की दिशा तय कर दी है इन्होंने तुम्हारी जेब काटने की अच्छी तरह से। कोई आप बता दो कौन सा एक सकारात्मक काम इन्होंने करा, वो आप बनवा दे भाई, जब वीर चलते रहे से पूछ ले। आर्मी का हर वर्ग का, वो वर्ग का आप बजट बढ़ा रहे हो। आज आप 2 करोड़ कितना, मतलब 243.777 करोड़ तो में आप उसमें है, कर्जे में डूबे हो, कर्जा इतना भारी है, जो पिछली बार कर्जा था उससे दुगना हो गया है कर्जा। अब जो आप काम करोगे वो कर्जा लेकर, आपसे कर्जा ले लिया फिर मैं काम कर रही हूँ, अब उससे कर्जा ले लिया फिर मैं काम कर रही हूँ, कर्जा ले लेके तो ये काम करेंगे, तो कर्जा के ऊपर कभी काम होते हैं, विकास कार्य कभी हो सकते हैं, आप खुद बताइए। इतने तो आप समझदार लोग हैं, जो सरकार इतने जबरदस्त कर्जे के अंदर डूबी हुई है और जिसका काम धंधा जो है वो आधा तो वो कर्जे को सर्विस करने में पैसा जा रहा है, कर्जे को भी तो देने पड़ते हैं ना कोई, ये तो भाई भतीजा बात तो है नहीं, यहाँ पे कर्जा तो वापस करना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि वो नॉर्म के मुताबिक कर रहे हैं, नॉर्म से बाहर नहीं जा रहे, उससे भी 1-1.5% कम है। मैं तो हंसूंगी इस बात पे खाली, और क्या कहूँ। देखो भैया, एग्जिट पोल का तो मुझे मालूम नहीं, कल जो है सामने पता चली जाएगा। मैं तो कभी, आप जानते हो, फालतू के दावे किसी चीज में कभी करती नहीं हूँ, कल जनता के सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जनता जो भी नतीजे आए, लेकिन आज अगर ये जात पात के ऊपर जनता ने वोट डाली है तो इसमें नुकसान जनता का ही है, इनका नहीं है, और ये जनता को समझ आनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली की बात कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा भी, दूसरे दलों के द्वारा भी, 2004 में बंद हुई थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी थी, राजस्थान में हालांकि कांग्रेस सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया, लागू किया दोबारा से, क्या लगता है? आपने कल अखबार में पढ़ा होगा, इसके ऊपर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में लगा चुकी हूँ, पूरी डिटेल से उसके अंदर आया हुआ है, पूरा जोर शोर से विधानसभा के अंदर ये बात है। अब ये आगे क्या करते हैं वो इनके ऊपर। हाँ जी, मैं तो ये बात जानती हूँ, पहले भी मैंने कहा कि जो जिस सरकारी आदमी ने जिस इनकी सारी स्कीम क्रियान्वित करने के लिए जो काम करता है, फिर उसका जब वो रिटायर होता है और उसको पेंशन जो है उसको बिल्कुल ही 50% के बराबर या ना मिले, तो फिर उसका रह क्या गया? बुढ़ापा ही तो है जब जरूरत होती है। जवानी के अंदर तो वैसे भी इधर उधर कर कुरा के 100 आदमी काम कर लेता है, बुढ़ापे के अंदर ही कहते हैं जब जेब खाली है तो फिर कहाँ जाएगा। वैसे ही चौटाला ने तो ये भी तर्क दिया है कि विधायक जो बार बार बनते हैं उनको बार बार पेंशन दी जाती है, कर्मचारियों को क्यों नहीं? अभय सिंह चौटाला ने नहीं, मैंने भी यही दिया, मेरा भी नाम ले दिया करो भैया, थारी अपनी हूँ। मैंने जो कहा है इतना बढ़ चढ़ के वो तो तुम बोलो को नहीं। देखो तो मैंने अभी जो बात कही थी ना वो बिल्कुल सत्य है, भिवानी वाले बाहर वालों की ज्यादा वो करते हैं।
लेकिन बजट में तो प्रावधान नहीं किया है, आप रोजगार देंगे 75% का इन्होंने वायदा करा था। आज जो है CMI की वो रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई वैसे हो गई है। सो आप समझ सकते हैं कि ये सब जुमले हैं, कोर्ट के अंदर जो है दस्तक दे दी है, कोर्ट इसको कभी भी थ्रू नहीं होने देगा। बात भी सही है, जो इंडस्ट्री है वो कैसे इस चीज को मान लेगी। तो ये तो लोगों को बुलावा, अपना टाइम पास कर रहे हैं खाली, कि अपना टाइम पास करो, जो लपेट सकते हो लपेटो और अपना टाइम पास करो। निकाय चुनाव को किन चुनाव निकाय चुनाव आएंगे, अब देखते हैं ये कब अनाउंस करते हैं, अभी तो अनाउंस हुए नहीं है। निकाय चुनाव आएंगे, मेरा तो यही अपील है लोगों को कि ये निकाय चुनाव के अंदर अच्छे लोगों को आगे लेकर आए। पार्टी सिंपल पे कांग्रेस लड़ना चाहेगी, अभी इसके ऊपर हमने तय नहीं करा है, लेकिन निश्चित तौर पे कोई ना कोई जो डायरेक्ट इलेक्शन है तो मेरे ख्याल में वो तय करेंगे जब उसके बाद ही होगा, अभी तय नहीं करा है। अभी तय ही नहीं करा है भैया, तय कर देंगे तो कैंडिडेट जो है वो समीकरण देख कर कौन अच्छा है, कौन काम कर सकता है, कौन जीतने की स्थिति में है, तभी उसको टिकट मिलेगी ना। राम भजन परिवार के राम भजन परिवार तो हमारा परिवार है ही, ये तो आज फॉर्मली वो कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये साथ ही थे मेरे, तो मैंने कहा नहीं रोज हमारे कोठी में रसगुल्ले सारे के सारे नंद किशोर जी ला के देते हैं। और क्या, और अब और भी अच्छी मजबूती, देखो अपना घर का परिवार जो है, परिवार जब एकजुट होता है तो मजबूती तो मिलती है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं।